चलो भैया आ जाओ सभी लोग। गुड इवनिंग सभी बच्चों को। आ जाए भैया जल्दी जल्दी सभी बच्चे। अलका सिंह गुड इवनिंग भैया। चलिए और बताइए क्या हालचाल है आप लोगों का। बढ़िया है, जीवन का आनंद ले रहे हैं कि नहीं इस समय। चलिए आ जाइए जल्दी जल्दी सभी बच्चे। और बताएं क्या हालचाल है, सब बढ़िया है आप सभी लोगों का। विजय प्रजापति नमस्ते भैया, खुश रहिए। चलिए सभी लोग जितने बच्चे आ गए हैं कम से कम एक बार रिप्लाई कर दें, पता चल जाए कि कितने लोग आ चुके हैं। क्लास तुरंत स्टार्ट किया जाए उसके बाद। विजय प्रजापति जितने बच्चे हैं आए हैं कम से कम एक बार रिप्लाई कर दे, पता चल जाए कि कौन कौन आ गया है। आ जाए भैया सभी लोग जल्दी जल्दी। रामू रामू भी आ चुके हैं, चलिए ये भी आ चुके हैं। तो स्टार्ट किया जाए। राजेश पाल आ चुके हैं, अजीत यादव आ चुके हैं, ट्विंकल तो पहले से ही आ चुके हैं। वीरेंद्र कुमार भी आ चुके हैं। चलो दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग आज आप सभी बच्चों को पता है कि आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इसको एक बार मैं इससे पहले भी पढ़ा चुका हूं तो बहुत तीव्र गति से पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप लोगों का रिकॉल कराते हुए मैं सोच रहा हूँ एकदम बिल्कुल पॉइंट टू द पॉइंट लेके चलो, जैसा कि काफी बच्चे बोल भी रहे थे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि जब हर्यक वंश का नष्ट होता है, हर्यक वंश के बाद कौन आता है, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद आएगा नंद वंश, और नंद वंश का अंतिम शासक होगा जिसे हम लोग किस नाम से जाना जाता है, घनानंद के नाम से। गुड इवनिंग भैया चंद्रमाला, अरविंद कुमार को भी, सभी बच्चों को। तो कह रहा है कि जब मौर्य जो नंद वंश का पतन होता है, घनानंद जो है कि संभाल नहीं पाता है, इतना बड़ा साम्राज्य घनानंद को मिलता है, घनानंद इस साम्राज्य को संभाल नहीं पाता है। लास्ट में चाणक्य का जब उसने अपमान किया, सभी बच्चों को मैंने छोटी सी कहानी बताई थी कल, अभी मैं सुबह आप लोगों को सिकंदर के बारे में पढ़ा रहा था कि जब सिकंदर का अगला टारगेट था मगध, उसी समय जो है कि चाणक्य पहुंचता है घनानंद के दरबार में और कहता है कि हे तार, जो तुम भोग विलास की वस्तुओं में डूबे हुए हो इसको छोड़ो और तुम जाके आगे, मतलब पंजाब की तरफ, मगध से आप पंजाब की तरफ जाओ और वहां पे जाके इलाहाबाद आए हैं नौकरी लेने, लेकर ही जाएंगे, चक्कर में दो चार बार लॉकडाउन लग गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुन्ना भैया बहुत सही, यार सबके लिए लॉकडाउन लगा है, अकेला किसी एक इंसान के लिए नहीं लगा है। जुनून होना चाहिए, कुछ करने का इरादा होना चाहिए, ठीक है। बदलता रहता है मौसम भी, कभी एक तरीके का नहीं होता, कभी गर्मी कभी जाड़ा कभी बरसात, बुलंद इरादे होते हैं जिनको मिलती है उन्हों की सौगात। आ जाओ आगे। तो वही कह रहा है कि जाता है, आप सभी लोगों को एक मैं जरा सा बनाऊं नक्शा तो आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाओगे, ठीक है।
ये यहाँ है आपका मगध, यहाँ पे है आपका पंजाब का एरिया। ये कहता है कि हे तात, चाणक्य कहता है, किसे कहता है, घनानंद से, आप यहाँ पे पहुंचिए और यहीं पे उसके बढ़ते हुए कदमों को रोक दीजिए। कौन कहता है? चाणक्य कहता है। भड़क गया घनानंद, ठीक है यार, किसी राजा को जाके समझाने का भी एक तरीका होता है, वो गया उसको एकदम अपने लैंग्वेज में समझा दिया, गया होता प्यार से समझाया होता, जाता है सीधे कहता है, हे तात, जो तू भोग विलास की वस्तुओं में डूबा हुआ है, तुझको नहीं दिखाई देता कि विदेशी आक्रांता भारत की सब जमीन तक पहुंचाया है, उठ और जाके उसके बढ़ते हुए कदमों को रोक दे। उसका दिमाग हुआ एकदम डिस्टर्ब, उठता है घनानंद और क्या कहता है, घनानंद कहता है, कहता है, हे ब्राह्मण, तेरा कार्य है पोथी पतरा बाँचना और तू पोथी पतरा बाँच, मुझको व्यर्थ की सलाह न दे। बात समझे? क्या कहता है? कहता है कि हे ब्राह्मण, तेरा कार्य है पोथी पतरा बाँचना, तू पोथी पतरा बाँच, मुझको व्यर्थ की सलाह न दे। और जब इतना सुनता है तो भड़क गया चाणक्य, कहता है, हे घनानंद, जो तू राज सत्ता के मद में डूबा हुआ है, तू शिक्षक का अपना शिक्षक का एक अपमान कर रहा है, शिक्षक के गोद में राजनीति खेलती है। कौन बोलता है? सोचो कितना बड़ा एक जवाब देता है, कहता है, शिक्षक के हाथ में राजनीति खेलती है, एक दिन मैं तुझको मूल समूल वंश से नष्ट कर दूंगा। उसको लगता है कि ये छोटा सा ब्राह्मण, अदना सा ब्राह्मण क्या कर लेगा, ठीक है, ये छोटा सा ब्राह्मण क्या कर लेगा। लेकिन आप देख रहे हो, वक्त बदला, स्थितियां बदली। वही इसकी भी मैंने आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताई थी, चंद्रगुप्त मौर्य की, सभी बच्चों ने सुना होगा, तो अभी मैं आप लोगों को बस आगे लेके चल रहा हूं। इसी बात पे भड़क गया और कालांतर में, ठीक है, पिंटो इफ्रान, ठीक है, घोर अपमान, हाँ चंद्रमाला, घोर अपमान, पिंटो है, इमरान है, चलिए सभी बच्चे हैं। यहां पे मैंने सभी बच्चों को चंद्रगुप्त मौर्य की एक कहानी छोटी सी सुनाई थी, याद है सभी बच्चों को? अब उसी बात पे वह, उसको लगता है चंद्रगुप्त से उसकी मुलाकात होती है, चंद्रगुप्त का जो बनता है वह प्रधानमंत्री बनता है चाणक्य, और चंद्रगुप्त को बड़ी ही बेहतर तरीके से वह आने वाले समय में क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, उसको ट्रेंड करता है, उसको ट्रेनिंग देता है, और उसी ट्रेनिंग के बाद आने वाले समय में जो चंद्रगुप्त मौर्य है एकदम घनानंद को उसकी राज सत्ता को उखाड़ के फेंकेगा, उसको मौत के घाट उतार देता है। शिवेंद्र सिंह यादव, गुड इवनिंग भैया। तो अब यहाँ पे हम मौर्य साम्राज्य के बारे में देखेंगे। कह रहा है इस वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जो 345 ईसा पूर्व में जन्मा था, ठीक है, 345 ईसा पूर्व में जन्मेगा और 323 ईसा पूर्व में यह गद्दी पे बैठेगा। और इसका जो मंत्री था, प्रधानमंत्री था, वह चाणक्य था। चाणक्य के दिशा निर्देशन में यह कार्य करता है और आने वाले समय में चंद्रगुप्त मौर्य एक चक्रवर्ती साम्राज्य बनता है। या यहाँ आपने देखा होगा कि यह बांग्लादेश से लेके, अगर कभी भी नक्शा देखोगे तो ईरान तक, अफगानिस्तान तक, ये इसका इतना लंबा चौड़ा, मतलब आज आप देख रहे हो, जो आप अपने भारत की स्थिति देख रहे हो, इस भारत से भी कई गुना ज्यादा साम्राज्य पे इसका, ठीक है। नो सर, फिर से सुनाइए सर स्टोरी प्लीज, ठीक है। अब इतना बड़ा साम्राज्य जो था, इतने बड़े साम्राज्य को कौन संभालता है? चंद्रगुप्त मौर्य संभालता है। और उसका रणनीतिक सलाहकार कौन बनता है? बनता है चाणक्य। कौन बनता है? चाणक्य। तो चाणक्य की दूरदर्शिता इस तरीके से थी कि उसने आने वाले समय में चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। जय हिंद भैया। चलिए, इस तरीके से उसने आने वाले समय में तैयार किया और अब जाके सफलता मिलेगी। किसको सफलता मिलेगी? चंद्रगुप्त मौर्य को मिलेगी, ठीक है। तो वही कह रहा है, इस वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसका 345 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, 323 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, वह अंतिम शासक था जिसने नंद वंश के घनानंद को हराया और घनानंद को हरा के उसने शासन पे अपना कब्जा किया। अब चाणक्य ने इसमें, इसके चाणक्य ने मदद की थी, इसीलिए चाणक्य बनेगा इसका प्रधान मंत्री। चाणक्य ने जो एक पुस्तक लिखी वो विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है, जिसको आप लोग किस नाम से जाना जाता, अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र जो है कि उत्तम पुरुष में लिखा गया है। किस पुरुष में? उत्तम पुरुष में लिखा गया है। कहने का मतलब कि इस जो है कि अर्थशास्त्र जो है दो चीजों से रिलेटेड है, एक राजनीति से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एक राजनीति से, और दूसरा लोक प्रशासन, लोक प्रशासन से संबंधित है।
ठीक है, इन दो चीजों से संबंधित है जिसे आप लोग किस नाम से जानते हो, जिसे आप लोग अर्थशास्त्र के नाम से जानते हो, जिसका संबंध राजनीति से है। 323 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठेगा चंद्रगुप्त मौर्य, जो है कि यह जैन धर्म का अनुयायी था, यह जैनी गुरु थे। भद्रबाहु, सोनम यादव, ठीक है, अनु, विजय प्रजापति, चलिए सभी बच्चों के लिए गुड इवनिंग। बच्चे परेशान हो ना, ठीक है, दो दिन के अंदर मैं एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी का जो मेरा चैनल है, ठीक है, कोचिंग का हम लोगों का चैनल है, उस पर मैं बायो स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप लोगों को डबल क्लास मिलने लगेगी। ठीक है, जितने बच्चे मुझसे एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी के जो बच्चे हैं, वहां पे मैं आप लोगों को बायो पढ़ाऊंगा, ठीक है, बायो स्टार्ट कर रहा हूं उस चैनल पे, और इस चैनल पे हम लोगों का चलेगा हिस्ट्री। बात समझ में आया? तो सभी बच्चों के लिए डबल ऑफर है, जिसको जो पढ़ने का मूड होगा, विजय प्रजापति आप एकदम आराम से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेहतरीन तरीके से वो आपका बायो का सेगमेंट स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। चलिए, तो किसी का आप लोग इतना याद रखिए कि इस लॉकडाउन में मैं आप लोगों के लिए पूरा जितना मेहनत कर सकता हूं दोस्तों, एकदम पूरी, कभी मत ये सोचना कि मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूंगा, ठीक है। इस अगर 2 से 3 महीने लॉकडाउन रहा तो मैं आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, बायोलॉजी, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, और सारा का सारा आपके दिमाग के अंदर होगा, सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा दूंगा, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, एकदम शांति से चुपचाप यहीं पे लगे रहिए, ठीक है। हम आप लोगों को 100%, देखिए आप लोगों ने एक चीज गौर किया होगा, सर रैंकर बैच की ऑफलाइन क्लास नहीं चलेगी। चलेगी बेटा सोनम, चलेगी, परेशान ना हो, जैसे ही थोड़ा सा, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग सिस्टम को बेहतरीन तरीके से बना रहे हैं। अब ये बताइए, सरकार आदेश नहीं देगी तो अभी तो नहीं चल पाएगा ना, लेकिन जब तक उधर नहीं चल रहा है तब तक सारी चीजों को ऑनलाइन चलाया जा रहा है। जैसे ही आप लोगों को ऑनलाइन चलेगा, सभी बच्चे आएंगे, पढ़ाया जाएगा, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए सर, बहुत भरोसा है आप पर, धन्यवाद भैया। हाँ, तो भरोसा सभी बच्चों को मैं एक बार फिर कहूंगा, भरोसा बना के रखिए, आप लोगों का भरोसा नहीं तोड़ा जाएगा, ठीक है, पूरे शिद्दत के साथ आप लोगों के साथ मेहनत की जाएगी, ठीक। चलिए, अब चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक छोटी सी बिल्कुल कहानी थी कि किस तरीके से मुलाकात हुआ था। जब वहां से धक्के मार के घनानंद चाणक्य को अपने दरबार से निकाल देता, उसी समय वह खोलता है अपना जटा, जटा नहीं, उसको चुरकी कहा जाता है, चुंडी कहा जाता है गांव में, ठीक है, और केस कहा जाता है, अगर लेवल हाई थोड़ा सा पढ़ाना रहे, अच्छा लगे सुनने में, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे आप लोग, केस कहेंगे, गांव में हम लोग सीधे डायरेक्ट कहते हैं अपना चुंडी खोल दिया, क्या खोल दिया, चुंडी, और कहा कि आप भैया छोड़ूंगा नहीं तुझको, मूल इतना खतरनाक था चाणक्य भी जोशीला ब्राह्मण का कहता है घनानंद, मैं तुझको मूल समूल से नष्ट कर दूंगा, इस धरती पे तेरा नाम लेने वाला कोई जिंदा नहीं रहेगा। कौन कहता है ये बात, ये बात बोलता है घनानंद कि मैं तुझको मूल समूल, अरे सॉरी चाणक्य, जब चाणक्य के वहां से उसको धक्का मार के निकाला जाता है, रास्ते में आ रहा था तो उसको एक बालक खेलता हुआ मिलता है, जो बालक बैठा हुआ था खेल रहा था, वही उसके पैर में कुश धस जाता है, कुश धस जाता है, उसके पैर से खून की बूंदे टप 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 गिर रही थी, और उसके बाद भी वह बालक जाता है और फावड़ा लेके आता है, जबकि जहां जहां वह कदम रख रहा था बिल्कुल धरती लाल हो जा रही थी। बात समझ में आया, वहां जहां जहां वह रख रहा था, जहां जहां वह पैर रख रहा था, वहां की धरती लाल हो जा रही थी, लेकिन उस बालक का जुनून देखो, हिम्मत देखो, जिस तरीके से आप लोगों के अंदर हिम्मत है, आज भी आप लोग लगे हो, चाहे लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी हो, आप लोगों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। एक चीज मैं देखता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो डेली आते हैं, आप लोगों के पास भी दो ऑप्शन होता है, अभी चाहते तो कोई भोजपुरी गाना हेडफोन लगा के या अपने रूम में लगा के आराम से एंजॉय करते, जीवन का आनंद लेते, लेकिन आप लोग पढ़ रहे हो, यही बात प्रदर्शित करता है कि आज नहीं तो कल आप लोगों को 100% सफलता मिलेगी। काम करने वाले लोगों की कभी हार नहीं होती, याद रखना, ठीक है। उसी तरीके से वह बालक जाता है, फावड़ा लेके आता है, उसको खोदता रहता है। अब तो जो है कि चाणक्य का हृदय, इतना हृदय विदारक घटना देख के चाणक्य वहीं पे एक टीले पे बैठ जाता है। उसके बाद वह बालक रक्त की प्रवाह नहीं करता है और जाता है खोद के निकालता है, उसके बाद उसके खरपतवार यानी घास फूस ला के रखता है, आग जला देता है। आग जलाने के बाद भी उस बालक के दिल को तसल्ली नहीं मिलती है और जाता है लेके आता मट्ठा उस पे डाल देता है। अब चाणक्य सोचने लगा कि ये क्या कर रहा है, आग जलाता है उसके बाद मट्ठा डाल देता है, उसके बाद गीली मिट्टी उठाता है और अपने पैर में भर देता है।
अब इतना देखता है चाणक्य, चाणक्य की आंखें खुल गई। चाणक्य जाता है उस बालक के पास और कहता है कि हे बालक तुम ये क्या कर रहे हो। उसी समय वह छोटा सा बालक कहता हे, क्या कहता है, कहता हे तात मैं अपने दुश्मन को मूल समूल वंश से नष्ट कर देता हूं, उसका नाम भी धरती पे लेने वाला कोई जिंदा नहीं बचता है। चाणक्य कहता है वाह, ठीक है, चाणक्य कहता है वाह मजा आ गया। चाणक्य जिस बालक की तलाश कर रहा था, जिसकी तलाश कर रहा था, उसकी तलाश पूरी हुई, इस बालक को अपनाता है, गले लगाता है और कहता है मैं बनाऊंगा तुझे चक्रवर्ती सम्राट। बात समझ में आया? तो अभी तक आप लोग वंश देख रहे हो, लेकिन अब आप देखोगे साम्राज्य। क्या देखोगे दोस्तों? साम्राज्य। आप लोग कहें तो थोड़ा सा बच्चों से मैं बात कर लूं। चलिए शैलेश हो गए, शैलेश यादव सर बहुत भरोसा है आपके। शिखा नमस्ते सर। चलिए आप भी बच्चे लाइक शेयर करिए। ये पंकज जी लिख रहे हैं आप लोगों के आप में आप में कोई चेंज नहीं हुआ। शिखा मिश्रा बहुत मस्त पढ़ाते हैं सर, चैनल पर बायो नहीं पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे भैया, ठीक है, चैनल पे हम बायो पढ़ाएंगे, आप लोगों को बता देंगे कि इस चैनल पे कहां पे जुड़ना है, ठीक। चलिए उसके बाद सर जी आपके कोचिंग में इलाहाबाद में आपसे मैं संविधान पढ़ी हूँ और भूगोल। वेरी गुड भैया शिखा, आप सब कैसे याद रखते हैं? अभी मैं आप लोगों को भी याद करा दूंगा, आप लोग टेंशन न लीजिए, आपका माइंड बहुत तेज है, माइंड आप लोगों का भी तेज बना दूंगा, ठीक है। माइंड तेज बनाना पड़ता है, समझ रहे हो ना। जीएस तोप नहीं है, जीएस से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके बाप का नाम यही है तो इसके बाप का यही नाम है। मैथ में आप दो धन तीन करोगे तो हो सकता है पांच हो जाए, दो धन दो हो जाए प्लस वन हो जाए तब भी पांच हो जाए, समझ रहे हो ना। वहां पे कॉन्सेप्ट चलता है, एक बार पढ़ लोगे जिंदगी भर नहीं भूलोगे यहाँ। लेकिन अगर चंद्रगुप्त के बाप का नाम ये है तो ये है, उसकी माँ का नाम ये है तो ये है, तो वही कह रहा है चंद्रगुप्त तो मगध की राज गद्दी पे बैठता है। चंद्रगुप्त तो मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का अनुयायी था? चंद्रगुप्त तो मौर्य जो है कि जैन धर्म का अनुयायी था, यह जैन धर्म को मानता था। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि यह अपने अंतिम समय में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पे चला जाता है और वहीं पे एक पहाड़ी पे जाके यह जो है अपना अन्न जल वहां पे त्याग देता है और उसके बाद वह क्या करता है, अपने प्राण त्याग देता है। चलिए तो वही कह रहा है चंद्रगुप्त तो मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इसने अपना अंतिम समय श्रवण बेलगोला नामक स्थान पे बिताया। कहां बिताया भैया? श्रवण बेलगोला नामक स्थान पे बिताया, ठीक है। तो सभी बच्चे यहाँ पे गौर करेंगे, जितने भी हैं भाई बंधु मेरे, ये देखिए, ठीक, ये है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। अगर आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य देखेंगे, जो मौर्य साम्राज्य है आप लोगों का, इतना लंबा चौड़ा आप लोगों का ये साम्राज्य है कि देखते ही बनता है। ये रहा चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। यहीं पे बगल में श्रीलंका है, मतलब आप देख रहे हो संपूर्ण भारत तो भारत ये रहेगा ना, इस तरीके से आपका भारत है, लेकिन इसके जो है कि यह आगे बढ़ गया था, ईरान अफगानिस्तान की सीमाओं तक यह आगे बढ़ता हुआ चला गया था। अब इसके बाद ये देखिए चाणक्य की स्टाइल कितना खतरनाक अंदाज है ना, अगर इसकी निगाहें देखे तो इसके निगाहों में आग है, जला के राख कर दे, आज तक इसकी चुरकी खुली हुई है। एक बार जिस जो इसने चुरकी खुली, आज तक इसकी चुरकी बधी नहीं, सोच लो कितना खतरनाक था भैया। ये देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो उस समय ये उसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कि उस समय पैसे चलाए थे, उन पैसों का चित्र है यहाँ पे, देखिए इसको युद्ध करते हुए प्रदर्शित किया गया है, कितना जबरदस्त इसका चित्र लग रहा है ना, लग रहा है अभी निकल के तीर तलवार मार देगा। संलेखना विधि से, बिल्कुल संलेखना विधि से। सर जी आप हमेशा मस्त रहें और स्वस्थ रहें, हम भगवान से यही दुआ करते हैं। धन्यवाद भैया, आप लोगों की दुआओं का असर है, ठीक, इसीलिए सारी चीजें सही चल रही है। चलिए आगे आ जाइए। प्लूटार्क के अनुसार अभी बड़ा साम्राज्य हो गया यार, इसका अच्छा खासा शासक हो गया। तो जानते हो जब आदमी कहता है
कि जब आदमी कोई भी बड़ा बन जाता है तो वहां पे चेले चपाटे अपने आप आने लगते हैं। तो प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में देता है। अच्छा, अब ये क्यों उपहार में देता है, इसके पीछे भी कहा है, इसके पीछे ये कहानी है कि सेल्यूकस निकेटर जो था इसकी एक लड़की थी, उस लड़की का नाम था कार्नेलिया, ठीक है, कार्नेलिया या जिसको हेलेना के नाम से जाना जाता है, और इसी कार्नेलिया ये हेलेना से 305 ईसा पूर्व में इन दोनों के बीच में जबरदस्त तरीके से युद्ध होता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने बुरी तरीके से सेल्यूकस को परास्त किया। सेल्यूकस कौन है, वही सिकंदर का राजदूत, सिकंदर को चला गया यहां से, ठीक है। जब आपको बताया हाइड्रेस्पीच का या जो है कि झेलम युद्ध, इन युद्ध के बाद जब जीता, जीतने के बाद उसके सैनिक थक गए थे, आगे बढ़ने से इनकार कर दिए इसी मगध के चक्कर में, कि मगध में गिरिवृक्ष पहाड़ी थी बड़ी खतरनाक थी, वहीं पे बसा हुआ था गिरिवृक्ष, जिसको जीतना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन भी था, तो वो अपना बोरिया बिस्तरा समेत के यहां से भाग गया। बात समझ में आया भैया? सर आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, विजय अग्रहरी धन्यवाद। मैं अब पढ़ा हूं सर से, शिवम मिश्रा धन्यवाद भैया सभी बच्चों का। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे रहते हैं। करें प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में नहीं दिए थे भैया, हाथी दे के इनके लड़की ले लिया था। सोच रहे हो ना, गजब का था भाई साहब। कहता है 305 ईसा पूर्व में युद्ध बुरी तरीके से परास्त करता है सेल्यूकस निकेटर को, कहता है मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। वो बेचारा हाथ जोड़ के खड़ा होता है, कहता है ये चीज है, छोड़ देंगे तुमको, ठीक है, नहीं मारेंगे तुमको, जान से तुमको छोड़ देंगे, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, सुने हैं कि तुम्हारी जो है कि लड़की बहुत खूबसूरत है, उससे हम करेंगे शादी, तुमको कोई ऑब्जेक्शन ही बताओ। किसी को पकड़ के बंदी उंदी बना के रखे रहोगे, उससे पूछोगे कि तुम्हारी लड़की से हम शादी करना चाहते हैं, तो जान ही रहा है मजबूरी का, हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं है। तो शादी किया, चार प्रांत भी लिया, काबुल, कांधार, हेरात और मकरान, काबुल, कांधार, मकरान, हेरात, और इनको 500 हाथी उपहार में दिया। कहा ससुर जी और आगे बढ़ जाओ ना, ये जो है दिख रहा होगा सभी बच्चों को। चलिए अभी बनाते हैं खट से, ये बनेगा आप लोगों का भारत, ठीक है, भारत ये वाला यहां तक। कहा ससुर जी आप हाथी उठी लेके चले जाओ, अब इधर से रक्षा करो, इधर से आने मत देना, इधर का तुम संभाल ही रहे हैं, क्या करोगे बुढ़ौती में, इधर रखे निकल जाओ, इधर जाओ आराम से जीवन का आनंद लो, इधर का हम संभाल ले, इधर से देखना कौन यूनानी यूनानी आके आक्रमण ना करे, ये हम तुमको सौंप रहे हैं। भैया सब सही है, तो इसने वहां पे शादी की और चार प्रांत काबुल, कांधार, हेरात और मकरान लिया, और कर्नाटक के श्रवण बेल गोला नामक स्थान पे, ठीक, ये तो आशिक था, देखिए शुरू हो गए आप लोग। चलिए अब इसके बाद आएंगे हम लोग बिंदुसार की तरफ, किधर आएंगे, बिंदुसार की तरफ आएंगे, ठीक है। देखो यार कोई उठपटांग नहीं बोलेगा, समझ रहे हो ना, एकदम आराम से रहना, मैं आपका ऑफलाइन क्लास भी लिया हूं। चलो भैया गुड इवनिंग कनक, ठीक। देखो अभिषेक भाई साहब थोड़ा सा आप लोग अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा, ठीक है, ये नहीं कि उठपटांग यहाँ पे मैसेज किए समझ लो तुरंत ब्लॉक कर दूंगा भाई साहब, एक चीज जान लो, ठीक है, तो इस चीज का एकदम आराम से रहिएगा, कोई फालतू बात कोई भी बच्चा नहीं करेगा। अगर आप लोग कसम बता रहा हूँ इतना खतरनाक लेवल पे हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना कि यादगार बना दूंगा, ऐसी ऐसी कहानियां हैं, ठीक है, आपको पढ़ाया हम ये नहीं कर, देखो हम ये जानते हैं दुनिया में भैया एक से एक पढ़ाने वाले, ठीक, हमसे 20 गुना ज्यादा पढ़ाते होंगे, मैं वही पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में आता है, ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा इनफ पढ़ाता मैं, ये सारी चीजें मैंने छोड़ दिया था। आप लोग ऑब्जेक्टिव जब सॉल्व मैंने कराना शुरू किया तो आप लोग इस टॉपिक को जो मैंने नहीं पढ़ाया था, बच्चे ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से मुझे लगा कि इनको हर चीज पढ़ा दूं, अभी फिर पढ़ा रहा हूं ना, 3-4 दिन के बाद फिर ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराऊंगा, मारोगे एकदम धुआं धुआं हो जाएगा। चलो हाँ मानने वाले नहीं है, ठीक है, अति नहीं, ये सब मानने वाले हैं, ये सब बहुत सही लड़के हैं, यहाँ कोई फालतू लड़का नहीं है। चलिए यहाँ जो भी बच्चे हैं वो सब बहुत ही बेहतरीन बच्चे हैं, ठीक है। चलो तो अभी अब ये हम लोग देखेंगे किसके बारे में देखेंगे दोस्तों, बिंदुसार, ठीक है, कह रहा है बिंदुसार जो था, बिंदुसार चंद्रगुप्त तो मौर्य का उत्तराधिकारी था, बिंदुसार जो 298 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठा, समझना भैया मेरे, ठीक है,
कब गद्दी पे बैठेगा? 298 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठेगा, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, हेलो हाँ भैया बताएं। हाँ हाँ उनके पास है, अभी हम भैया क्लास ले रहे हैं, दो मिनट में बात करते हैं, ठीक ओके। हाँ भैया, तो सभी बच्चे आ जाइए। कह रहा है कि 298 बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, जाहिर सी बात है इस तरह। अब बाप इतना खतरनाक हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, तो बिंदुसार उससे कम तो रहेगा नहीं, ठीक है। तो इसका उत्तराधिकारी बार बार, अच्छा यहां सब गड़बड़ा जाते हैं, तो याद रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईस्वी में गद्दी पे बैठा, जिसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता। अमित्रघात का मतलब होता है अमित्रघात, घात का मतलब क्या होता है कि कहा जाता बड़ा घात छुपा है तेरे अंदर, ठीक है। तो ये अमित्रघात था, इसे शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता था, या अपने जो है कि शत्रुओं को कभी भी छोड़ता नहीं था। सरिता विश्वकर्मा गुड इवनिंग भैया सभी बच्चों को, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। जैसे चंद्रगुप्त होगा, चंद्रगुप्त 298 ईसा पूर्व में वहीं पे मृत्यु होगा, मरने के बाद औलाद उत्तराधिकारी होती है, तो ये गद्दी पे बैठेगा। खतरनाक था बिंदुसार, ठीक है, बहुत ही खतरनाक था, और इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक का संप्रदाय था। तो इसमें ज्यादा चीज नहीं बताया, इसका उत्तराधिकारी हुआ, 298 में गद्दी पे बैठा, इसे हम लोग अमित्रघात यानी शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता है, और यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ये रहा भाई साहब, ठीक है। चलिए बस आज आगे वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये प्रश्न कई एग्जाम में आया गया है, ठीक है। गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग, ठीक है। राहुल प्रजापति जी सर, तो कह रहा है वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा जाता है, भूलना नहीं दोस्तों, कई बार आया हुआ है, ठीक। एसएससी जेई में ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, आज से तीन से चार बार एक ही प्रश्न को रिपीट किया, यानी इसके पूछे जाने की संभावना कई गुना ज्यादा है। चलिए सर आपका चैनल नंबर 1 होगा, अब पढ़ाइए खूब जम के, अब हम लोग ठीक है रोजाना क्लास लेंगे आपका। चलिए धन्यवाद। आप देखो यार, एक चीज मैं अच्छे तरीके से जानता हूं, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। अगर हम सोचे कि हम बहुत बड़ा तोप हैं तो गलत है, आप सोचिए आप बहुत बड़े तोप हैं तो नहीं। अगर हम तोप हैं तो आप गोला हो, ठीक है, आप गोला हो तो हम तोप हैं, समझ रहे हो कि नहीं। जब तक तोप में गोला नहीं भरा जाता है तब तक विस्फोट नहीं होता, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, समझ रहे हो। अकेला जंगल में अगर मोर नाचेगा तो कौन देखेगा, मेरे अंदर खूब टैलेंट है, कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन अगर हमारे पास स्टूडेंट ही नहीं होंगे तो मेरे क्या औकात है, कोई विसात है नहीं, ठीक। तो इसीलिए बच्चे जो होते हैं, किसी भी टीचर की जो ग्रेविटी होती है वो उसके बच्चों से होती है, बात समझ में आया, कि जो उसने अपनी जिंदगी में जो अर्जित किया वह उतने बच्चे जो होते हैं वही उसकी ग्रेविटी होते हैं। चलो भैया सभी लोग आगे आ जाइए। अब तो बोला बिल्कुल, तो अब इसके बाद जैसे ही आप लोग आगे बढ़ेंगे तो ध्यान देना, भूलना नहीं, कॉन्सेप्ट पे हमेशा बनाए रहना, ठीक है। अब ये है कि वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। चलिए आपका ओल्ड स्टूडेंट है, आज भी आपका वही स्वैग है, चलिए वेरी गुड। तो कह रहे सीरियन नरेश एंटियोकस ने, अब सीरियन नरेश जो है कि इसको क्या करने लगा, सीरियन नरेश को लगा, सीरिया का नरेश, सोच लो इतना दूर सीरिया है, वहां का नरेश था एंटियोकस, वह इसको प्रसन्न करने के चक्कर में पड़ जाता है, इसको गिफ्ट भेजता है, ठीक है, इसको गिफ्ट भेजता है कि तुम भैया किसी तरीके से प्रसन्न रहो। तो इसको गिफ्ट में क्या, इसी के दरबार में देता है डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा, कहा जा बेटा जाके इसको समझाओ और इसको खुश करो। तो डाइमेकस आता है। अब यहाँ पे प्रश्न दोस्तों, दो प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, याद रखना भैया, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त
के दरबार में कौन आएगा? मेगास्थनीज यानी सीएम, सीएम चंद्रगुप्त मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मेगास्थनीज, भूला नहीं बच्चों। और उसके बाद बिंदुसार के दरबार में कौन आएगा? डाईमेकस, बीडी सीएम, सीएम बीडी, ठीक है। तो याद रखना, चंद्रगुप्त के दरबार में आएगा मेगास्थनीज और बिंदुसार के दरबार में आएगा डाईमेकस, या डाईमेकस जो है, डाईमेकस कौन है जानते हो ना, इसी मेगास्थनीज के लड़के का नाम क्या है? डाईमेकस के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आया? अब याद रखना, अब भूलोगे नहीं सभी बच्चे, चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज, बिंदुसार के दरबार में डाईमेकस आता है। और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को, जैन ग्रंथ जो है, जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन कहा जाता है, मतलब शेर के समान, जैन ग्रंथों में इसको सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। अब बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में दो विद्रोह होते हैं, तो पहले तो इसने इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने सुसीम को भेजा, किसको भेजेगा? सुसीम को भेजेगा, दो विद्रोह होंगे, पहले सुसीम को भेजेगा और जब वह इसको संभाल नहीं पाएगा तब भेजेगा अशोक को। देखो पहले याद रखना, तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में, ठीक है, तक्षशिला। तो पहले यह किसको भेजेगा? सुसीम को भेजेगा कि जाके संभालो, लेकिन जब यह नहीं संभाल पाता है, पहला वाला संभालता है, दूसरे में भेजता है अशोक। अशोक तो इसका भी बाप था, अभी हम लोगों को जो इतिहास में पढ़ाया जाता है, बाप नहीं था, मतलब कहने का मतलब मैं बता रहा हूं किसमें, जुझारू प्रत्याशी में उसका लड़का है, कहा जाता है ना कि अपने बाप से भी 10 गुना ज्यादा है, ठीक है, समझ गए होंगे, वही चीज बता रहे हैं यहां भी। तो ये बिंदुसार, देखना, चंद्रगुप्त मौर्य होगा, उसका लड़का बिंदुसार होगा, उसका लड़का अशोक होगा, ठीक। ये और खतरनाक भैया, इसका तो अभी जब इतिहास पढ़ाएंगे तो आंखों से आंसू निकल आएगा, जौन खतरनाक था, लेकिन हम लोगों को इसका सुधरा हुआ स्वरूप दिखाया जाता है। अशोक को भेजा और सीरिया के शासक एंटियोकस से कहा कि ठीक है तुमने भेज दिया, एक डाईमेकस आता है, इसको बताता है कि वहां की मदिरा यानी वहां की वाइन का क्या टेस्ट है, एक बार पियो तो 5 दिन तक नशा रहता है। कहता नहीं, कहा हाँ महाराज, कहा ले आओ, सूखे मेवे मंगवाता है, अंजीर मंगवाता है, और क्या मंगवाता है? दार्शनिक मंगवाता है। तो ये 4 चीजें इसको देता है, सभी बच्चे याद रखना, ठीक है। जब आता है डाईमेकस, बताता है एंटियोकस के बारे में, तो ये खुश हो जाता है, कहता बहुत सही यार, सुने तुम्हारे यहाँ इतना बढ़िया है, तो बोलता है कि हमको मदिरा भिजवा दो, सूखे मेवे, अंजीर एवं दार्शनिक। तो ये 4 चीजें बिंदुसार को भेजता है एंटियोकस, भेजता है। इसको 16 राज्यों का विजेता बताया जाता है, कितने राज्यों का? इसको 16 राज्यों को, अगर पूछ लिया कि एंटियोकस किसके दरबार में दार्शनिक भेजा था, तो आप बताओगे बिंदुसार, ठीक है। क्या भेजा था? मदिरा, सूखे मेवे, अंजीर एवं दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। अब इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ोगे, मर जाता है, कहा जाता है कि हर व्यक्ति का 1 दिन आता है, बिल्कुल सही कहा आपने विजय अग्रहरी, सभी बच्चे आ चुके हैं, आजीवक राहुल प्रजापति, ठीक है, निखिल पटेल, खुश रहो भैया, तोप का गोला चंद्रमाला लिख रही है, विकास कुशवाहा, ये तो बात है सर, आपका ओल्ड स्टूडेंट है, आज भी आपका वही स्वैग है, चलिए सब आप लोगों का मोहब्बत है, प्यार है, स्वैग वही रहेगा, ठीक है। जब तक स्टूडेंट लाइक करते रहते हैं तब तक जिंदगी चलती रहती है, समझ लो, टीचर भी एक एक्टर की तरह है, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे लाइव चलते हैं, इसमें कट और रिटेक का कोई सवाल नहीं होता, बात समझ रहे हो ना, यहाँ पे ना तो कट है, यहाँ ना तो रिटेक है, आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पे जबरदस्त तरीके से चलते रहना है, बिल्कुल सही। लाइक एंड शेयर एवरी वन, चलिए सभी बच्चे लाइक करते रहिए। तो अब देखो यार, अशोक, देखे ना, चंद्रगुप्त मौर्य आया, मौर्य के बाद बिंदुसार आया, ठीक, बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, बिंदुसार के दरबार में डाईमेकस आया था, एंटियोकस ने सूखे मेवे, अंजीर, मेवा और क्या भेजा था ना, मदिरा भेजा था, दार्शनिक भेजा था, ठीक, मर जाएगा इसका आज, इसको अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। ये 3-4 प्रश्न है, 4 प्रश्न बनते हैं हमेशा, सही कर डालोगे। अब आ जाओ एकदम खतरनाक शासक की तरफ चलते हैं, रूह कपा देने वाला ये शासक था, ठीक। अब ये है अशोक,
कहता है अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था या अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पे बैठता है, 99 भाइयों को मार डाला, इसको चंडशोक कहा जाता है। बात समझ में आया, इसको चंडशोक के नाम से जाना जाता है, चांडाल अशोक कहा जाता है। इतना खतरनाक था जो है कि लाशों का ढेर बिछा दिया करता था अपने 99। कहा जाता है कि उसके राज्य में एक कुआं था, उस कुएं का नाम था आगम कुआं। क्या था? आगम कुआं, समझ रहे हो? देखो इसके खतरनाकपन का। गद्दी पे बैठ गया जबरदस्ती, मरने के बाद बिंदुसार मरा, गद्दी पे बैठ गया और अपने 99 भाइयों की हत्या कर देता है। लास्ट में उसका एक भाई बचा रहता है, उसकी भी हत्या करता है और हत्या करने के बाद सबको इसी में फेंकवा देता है। ठीक है, इसी कुएं में, आगम कुआं जो था इसी में हत्या करके सबको फेंकवाता चला जाता है, अपने 99 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। अब वही कह रहा, अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था जो बहुत महान था, जो अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध की सिंहासन पर बैठा। बौद्ध साहित्य में, किस साहित्य में भैया? बौद्ध साहित्य में अशोक को चंडशोक कहा जाता है। अब देखना प्रश्न कैसे पूछेगा, चांडाल अशोक ऐसे पूछेगा कि अशोक का एक नाम चंडशोक कहां पे मिलता है, तो बौद्ध साहित्य में। ठीक है सर, आपने बॉटनी का नोट्स अपलोड करवा दिया, थैंक यू सो मच। चलो भैया बिल्कुल कराया जाएगा सर। तो ये कह रहा है, सुनिएगा, ये हो गया चंडशोक कहा गया, यह 273 ईसा पूर्व में, कब भैया? 273 ईसा पूर्व में। गद्दी पे तो बैठेगा, पीछे जाता है, बैक में जाता है, ईसा पूर्व की तरफ चल रहे हैं, याद रखना बैक की तरफ जाता है। तो अशोक को, ठीक, अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी होगा जो अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पे बैठता है, या गद्दी पे तो 273 ईसा पूर्व में बैठ गया था लेकिन इसने अपना राज्याभिषेक, गद्दी पे जबरदस्ती बैठ गया। ठीक, जब इसको पता चला कि इसके भाई विद्रोह कर रहे हैं तो जबरदस्ती जाता है, गद्दी पे बैठ जाता है, चुन चुन के एक एक को मारता है। इसीलिए कहता है इसे जो 4 वर्षों का लंबा काल लगा, जो 4 वर्षों का भाई साहब इसको लंबा काल लगा, 4 वर्षों का लंबा काल इसको क्यों लग गया? 4 वर्षों का लंबा काल इसको अपने पारिवारिक जो विद्वेष था, पारिवारिक असंतोष था, इस पारिवारिक असंतोष को दबाने में लग गया। अभिनव और सुखोई, अब दोनों को भी गुड इवनिंग भैया। चलिए अब तो 273 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 273 यहां दो प्रश्न पुटअप करता है, खोपड़िया खोल लो भाई साहब, सभी बच्चे एकदम अच्छी तरीके से अपने मन मस्तिष्क दिमाग की धाराओं को खोल लो और याद लो, रख लो, 273 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठेगा और 269 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक हुआ, यानी 4 साल तक कत्लेआम मचा के रख देता है। वही कह रहा है और पूछेगा कि अशोक को चंडशोक कहां कहा गया है, तो बौद्ध ग्रंथ में अशोक को चंडशोक कहा गया है। ठीक है, ये देखिए इसका जो है कि अशोक का राज्याभिषेक की एक छोटी सी तस्वीर आप लोगों के सामने है। अब अभिलेखों में अशोक को देव नाम प्रियदर्शी कहा गया, खतरनाक शासक था, जितने भी आते थे सब इसको अच्छे। सर कोचिंग बंद है या खुली है? रोशनी यादव बेटा भी आपकी कोचिंग बंद है। चलो, कह रहा है अभिलेखों में अशोक को देव नाम प्रियदर्शी कहा गया। क्या कहा गया? देव नाम प्रियदर्शी। देव नाम प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है? देव नाम प्रियदर्शी का मतलब होता है कि देवों का प्यारा, सोच लो, इसको देवों का प्यारा कहा जाता है। ठीक, देवों का प्यारा कहा जाता है। मास्की शिलालेख में, कहां पे? मास्की तथा गुर्जरा स्तंभ में इसका अशोक को अशोक कहा गया है। चंडशोक कहा, क्या कहा गया? बौद्ध ग्रंथ में, याद रखना, चंडशोक कहां कहा गया है? बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है। ठीक है, और इसको देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम क्या मिलता है? अशोक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मन मस्तिष्क में बैठा लेना, मास्की तथा गुर्जरा शिलालेख में। ठीक है, कहां पे भैया? मास्की तथा कौन सा? मास्की शिलालेख तथा गुर्जरा, जहां पे हाईलाइट कर रहा हूं एकदम ध्यान दीजिएगा, और वहां पे इसको कहा गया अशोक कहा जाता है। अशोक की माता का नाम था शुभद्रांगी। ठीक है, अशोक की माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी। पिता का नाम पता ही है, बिंदुसार। इसकी 3 पत्नियां थी, याद रखना दोस्तों, असंघमित्रा, ठीक है, महादेवी, असंघमित्रा और करुवाथी। ठीक, 3 शादी भी भाई साहब की थी अशोक जी, महादेवी, असंघमित्रा और
करुआ की, इसकी तीन पत्नियां थीं, इसमें से यह करुआकी को जो है कि बहुत ज्यादा मानता था। मतलब आप समझ सकते हो कि ये इसकी मेन रानी हुआ करती थी करुआकी। तारानाथ के अनुसार सुद्रा समुद्री डाकू, अब देखो यहाँ पे एक जबरदस्त युद्ध आने वाला है, अब आप लोग देखेंगे तब पता चलेगा कि इसकी बारे में, ठीक है। अब इसके बारे में देखिए, तारानाथ के अनुसार, किसके अनुसार, तारानाथ के अनुसार समुद्री डाकू हुआ करते थे। सबसे खतरनाक युद्ध कलिंग का युद्ध बताने जा रहा हूं, जिसके पीछे कई वैचारिक मतभेद है, कई लोग बताते हैं, कई घटनाएं बताते हैं। कुछ लोगों का कहना है, ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि अशोक अपने साम्राज्य का क्या करना चाहता था, विस्तार करना चाहता था। इसी में बना रहा हूं भैया, ये रहा आप लोगों का भारत, ठीक, ये है आपका भारत, दिख रहा होगा सभी बच्चों को। और इसी भारत में ये है उड़ीसा का तट, और इसी उड़ीसा के तट पे स्थित है, आपने देखा था अभी कि सब जगह इसका अधिकार हो गया था, लेकिन यही एक ऐसा स्थान था उड़ीसा का तट, इसी तट पे इसका अभी दोस्तों अधिकार नहीं हो पाया था। सब जगह अधिकार कर लिया था अशोक ने, लेकिन कहा जाता है उड़ीसा का तट अभी भी वंचित हो गया। यह बात अशोक के दिल में कहीं ना कहीं खटक रही थी, और अशोक की निगाहों में अपने साम्राज्य को और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उड़ीसा के ऊपर इसका बहुत दिन से ये इसका जो तट था, इसकी निगाहें गड़ी हुई थी कि किसी भी तरीके से हमको इसको पाना है, ठीक है। सर टाइम भी बता दीजिए मिथिलेश सर, आपको इकोनॉमिक व बांटने का नोट फोटो स्टेट के यहाँ वो उपलब्ध कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलो भैया, आप ही लोगों के लिए बनाया गया है, सारे नोट्स हैं, आप सभी बच्चों को पता ही है, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, ठीक है, 10 साल के मेहनत से सारी नोट्स तैयार हैं। और अगर आप उन नोट्स को प्रोवाइड करते हो तो 100% लिख के गारंटी दे दूं कि किसी के औकात नहीं है कि इतिहास हो चाहे जियोग्राफी हो चाहे इकोनॉमिक्स हो, उसके बाहर का प्रश्न निकल गया। अगर निकल गया तो फिर किसी किताब में नहीं मिलेगी। मैं आप सभी बच्चों को बार बार बताता हूं कि मैं सिर्फ वही पढ़ाता हूं जो एग्जाम में आता है। अभी अगर किसी को मेरा ज्ञान देखना है तो चले जाओ, इसी के पहले 4-5 वीडियो यही सब पढ़ाए हैं। तारा ये जो मौर्य साम्राज्य है ना, मौर्य साम्राज्य 3-4-5 दिन जो है कि मौर्य साम्राज्य ही पढ़ाए, अभी 4-5 दिन और पढ़ाते, लेकिन मुझे लगा कि बहुत ज्यादा डीप होने लगा था, ठीक है, बच्चों को मजा तो आ रहा था, लेकिन ऐसी बहुत सारी जानकारियां मिल रही थी जो वन डे लेवल पे आप लोगों से पूछा नहीं जाता, इसलिए मैंने फिर अपने कंटेंट को छोटा किया और आप लोगों के वन डे के लेवल को मैंने मेंटेन करके फिर ये पढ़ाना शुरू किया ना। नहीं चले जाना देखना, अभी मैंने जो है पीछे 4-5 वीडियो मुझे लगा कि बना दूं, फिर मुझे लगा कि कम से कम 5-6 महीने लग जाएगा, इतिहास हिस्ट्री खत्म करने में मुझे 5-6 महीने लग जाता, और इतने समय में बच्चे इतना ज्यादा याद भी नहीं रख पाते, ठीक है। चलिए, क्या पूछ रहे हो भैया, तो यहाँ पे सारी चीजें हैं। सर आप कितने बजे लाइव क्लास लेते हैं, दोस्त सभी बच्चे समझ ले कि सुबह, अभी सुबह मैं जो है कि 8 बजे लाइव क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, और रात्रि में 9 बजे लाइव क्लास ले रहा हूँ, लेकिन 1 या 2 दिन के अंदर अभी मैं एक क्लास और बायो की स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी जो हम लोगों की कोचिंग का चैनल है उस पर मैं बायो पढ़ाऊंगा, और यहाँ जिस तरीके से हिस्ट्री चल रहा है उस तरीके से चलते रहेगी, ठीक है। सर डेली लाइव क्लास है क्या, बिल्कुल एकदम डेली लाइव क्लास देते हैं, सभी बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, कोई सभी जानते हैं डेली चलती है, रात में 9 बजे चलती है और सुबह 8 बजे से स्टार्ट करता हूँ, कभी कभी 8:10 या 5 मिनट 15 मिनट बस यही तो चलती है डेली। अब देखो सबसे भयानक जबरदस्त युद्ध बताने वाला हूं जिसको कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है। बौद्ध विद्वान तारानाथ कहता है कि इस युद्ध के पीछे रीजन क्या था, अशोक की उस समय मणि मुक्ताएं थी, ठीक है भैया, अशोक की उस समय क्या थी, अशोक के पास उस समय मणि मुक्ताएं थी, मणि मुक्ता एक तरीके का पत्थर हुआ करता था, और अशोक ने कलिंग के ऊपर आरोप लगाया, ठीक है, कलिंग के राजा के ऊपर आरोप लगाया कि जो समुद्री लुटेरे हैं, जो समुद्री लुटेरे हैं ये लूट ले गए हैं मणि मुक्ताओं को, ठीक है, समुद्र के जो मणि मुक्ताओं को लूट ले गए थे, और इस बात से हुआ बहुत ज्यादा क्रोधित। फिर से एक बार एक फ्लो में समझ लीजिए कि बौद्ध विद्वान तारानाथ कहता है कि अशोक के पास मणि मुक्ताएं थी, उस समय कलिंग के जो डाकू थे, कलिंग के डाकू उन मणि मुक्ताओं को लूट ले गए थे,
और इस बात से बहुत ज्यादा क्रोधित होता है। कौन क्रोधित होता है? अशोक। और अशोक कहता है ठीक है सर, ऑनलाइन क्लास में बहुत प्रॉब्लम होती है नेट की वजह से, और फिर से घर चले जाएंगे तो फिर कैसे आएंगे सर, कुछ नहीं समझ आ रहा है। सोनम यादव ठीक है बेटा, एकदम बिल्कुल परेशान ना हो, आप लोग जहां पे हैं आप लोग पढ़े रहिए, ठीक है हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। आप देखेंगे कि परसों से हम लोगों का सारा सिस्टम अप टू डेट हो चुका है, आप लोगों को ऑनलाइन हम लोग ऐप पे जितने बच्चे हम लोगों से जुड़े हुए हैं, कोचिंग से जुड़े हुए हैं, हम लोग पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। परसों से आप लोगों की क्लास एकदम रेगुलर बेसिस पे सारे के सारे टीचर, एक दो टीचर नहीं, जिस तरीके से आपकी क्लास चलती थी उसी फ्लो में हम लोग लेके चलेंगे। इस समय हम लोग आप लोगों के साथ पूरी तरीके से लगे हुए हैं, आपका दुख दर्द हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। बात समझ में आया? देखो यार, हम लोग एक टीचर हैं, हम समझते हैं कि बच्चा यहाँ पे पढ़ा हुआ है उसका कम से कम 5 से 6 हजार रुपए जा रहा है, और जो बच्चा यहाँ पे पढ़ने के लिए आया है जब उसका फ्री में 5-6 हजार रुपए जाएगा तो जाहिर सी बात है उसको बहुत अफसोस होगा, उसके घर से भी परिवार से भी दबाव आता है कि आप तो वहां पे क्यों पढ़े हो जब आपकी कोचिंग बंद है। इसीलिए हम लोग तुरंत इसको आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपके पास कहने के लिए भी हो कि नहीं हम लोगों की पढ़ाई जिस तरीके से चल रही थी चल रही है, और यहाँ जहां भी आप बच्चे हैं जिस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए आप लोग बने रहिए, एकदम उम्मीद रखिए, हम लोग पूरी तरीके से आप लोगों के साथ रहेंगे, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, वादा है हम लोगों का। और इसी वजह से आप लोग देखे होंगे कि जैसे ही सूचना मिली कि लॉकडाउन लगा ठीक, हम लोग तुरंत उतर आए सभी लोग। एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी के चैनल पे अभी सिद्दीकी सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है करेंट के भी आप लोगों की कभी कभी क्लास चलाई जा रही है। परसों से हम अपना बायो का सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, बायो में आप लोगों को यूट्यूब पे ही पढ़ाऊंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारी पहुंच बन पाए, ठीक। और सारी जो क्लासें होंगी आप लोगों को ऐप पे चलेंगे, ठीक है भैया। सर सुबह में क्या चलता है? अभी तो भैया हिस्ट्री ही चल रहा है सर, सलोरी में नेट भी नहीं चलता है, ठीक है थैंक यू भैया। चंद्रमाला बोल रही है सुखोई, सर सलोरी में हम नहीं रहेंगे अब कोरोना है। चलो भैया आप लोग कहीं भी रहिए, देश के किसी भी कोने में रहिए, नेट की सुविधा अवेलेबल है और हम लोग आप लोगों के साथ लगे रहेंगे, चाहे आप सलोरी में रहें चाहे अपने घर पे रहें, कहीं भी रहेंगे तो हम लोग पूर्ण तन्मयता के साथ आप लोगों के साथ मेहनत करेंगे और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि ये जो महामारी है, जो विकराल महामारी है, जल्दी से जल्दी सही हो और हम सभी बच्चे जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, जो जहां कोचिंग पढ़ रहे हैं, जो जहां पे अपना शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, सभी बच्चे अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर है। चलिए अब आ जाइए। तो जब मणि मुक्ताओं को चुरा ले गया तो अशोक हुआ बहुत ज्यादा क्रोधित, अक्रोधित होते हुए उसने कहा, वहां के राजा का नाम था नंद, ठीक है वहां के राजा का नाम था नंद, उसने कहा नंद से कहा कि तुम मेरी मणि मुक्ताओं को वापस कर दो, लेकिन वह मणि मुक्ताओं को वापस करने से इनकार कर देता है, क्रुद्ध होता है अशोक, और एक बहुत बड़ी सेना लेके उसने कलिंग पे आक्रमण कर दिया है। नंदराज, वहां के राजा का नाम था नंदराज, उसके ऊपर उसने आक्रमण कर दिया, घनघोर तरीके से युद्ध चलता है, लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए। कहा जाता है कि वहीं कलिंग में ही एक नदी बहती थी, उस कलिंग में एक नदी बहती थी, उस नदी का नाम था दाया नदी। क्या नाम था भैया? उस नदी का नाम था दाया नदी। 1.5 लाख लोग मार के इसी नदी में फेंके गए, जगह जगह फेंके गए, और कहा जाता है इतना रक्तपात मचा कि इस दाया नदी का रंग भी लाल हो गया। मतलब यहां से जो पानी गुजर रहा था दोस्तों, उस पानी का रंग लाल हो गया, इतना जबरदस्त तरीके से इसने यहाँ पे कार्य किया, ठीक है यहाँ पे। अब इसके बाद जैसे ही यहाँ पे इतने लोग मारे गए और दाया नदी का क्या हो गया, दाया नदी का रंग मेरे भाई लाल हो जाता है। चलिए अब हम सभी लोग क्या करेंगे भैया, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसमें 1.5 लाख, अच्छा जब इतना रक्तपात मचता है ठीक है, और उसी समय करुवाकी खो गई तो अशोक जो है अपने सैनिकों के साथ, करुवाकी जो है कि वही की थी कलिंग की थी, ठीक है कलिंग की थी करुवाकी, उसके बाद अशोक जो है उसको ढूंढता हुआ पहुंचता है कलिंग के युद्ध में मैदान में, चारों तरफ चिताएं जल रही थी, ठीक है एक एक चिता पे 10-10 15-15 लोगों को बांध के जलाया जा रहा था,
चारों तरफ एकदम रुंदन यानी रोने की आवाज आ रही थी। जहां गड्ढे पड़े हुए थे उन गड्ढों में इतना लहू भरा हुआ था कि उसका पैर जब पड़ता था तो उसका पैर लाल हो जा रहा था। ठीक है, उसका पैर जो है कि लाल हो जा रहा था, इतना जबरदस्त रक्तपात चारों तरफ मचता है पूरी तरीके से। और अशोक का मन हृदय विचलित हो जाता है, बच्चे रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, विधवाओं की चारों तरफ आवाज आ रही है, चारों तरफ इंसान के जलने की बदबू आ रही है, चिताएं ही चिताएं। सोचो इतना क्रुंदन दृश्य देख के अशोक का मन विचलित होता है। और उसी समय आता है, ठीक है, उसी समय आएगा बौद्ध भिक्षु और वह कहता है, बौद्ध भिक्षु कहता है कि ये देख अशोक तूने क्या किया। वास्तव समझ में आया, उसी समय जो आएगा उसी समय आता है बौद्ध भिक्षु और कहता है कि ये अशोक देख तूने क्या किया। ठीक है, अब तो तेरी रूह को सुकून मिल गया होगा, कहता है देख अशोक तूने क्या किया, अब जो है कि अब तेरे रूह को सुकून मिल गया होगा, अब तू अंदर से खुश महसूस कर रहा होगा। ठीक है, अब इतना बोलता है, उसको जब बोलता है तो अशोक का मन द्रवित हो जाता है पूरी तरीके से और कहता है बौद्ध भिक्षु कि अब तो तेरी रूह को आराम मिल गया होगा, सुकून मिल गया होगा, देख इन चिताओं को जलती हुई। अब अशोक को अंदर ही अंदर आत्मग्लानि होती है और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अशोक की राह का जो रोड़ा था कौन, यही कलिंग, उसको भी इसने समाप्त कर दिया था। और अब अशोक को इस बात का ज्ञान हो चुका था कि उसका साम्राज्य इतने दूर तक फैल चुका है, अब इस साम्राज्य को बचाए रखना ही इसके लिए सबसे बड़ी सफलता है और अब इससे ज्यादा वह युद्ध करने की स्थिति में नहीं था। और कुछ विद्वानों का मानना है कि इतना बड़ा रक्तपात देख के उसका मन विचलित हो गया। ठीक है, इतना बड़ा जो है कि रक्तपात देख के अशोक का मन विचलित हो गया और अशोक ने कसम खाई कि आज के बाद मैं कभी तलवार नहीं पहुंचाऊंगा। वही देखिए, प्लिनी के अनुसार कलिंग के लोग व्यापार पर बाधा पहुंचाते थे, इसलिए अशोक ने उन पर आक्रमण किया। चलिए तो दोस्तों, आज अपने इस लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। ठीक है, कल मैं आप लोगों का अशोक भी कंप्लीट करा दूंगा। बासमाया कल आप लोगों का अशोक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आने वाले प्रश्न पे मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बात करूंगा। मौर्य साम्राज्य का दोस्तों लिख के दे रहा हूं, प्रश्न बाहर निकल नहीं पाएगा। अब इसके अभिलेख, ठीक है, इसके अभिलेख, इसके शिलालेख, इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, सभी बच्चों ने इस वीडियो को देखा, जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए और जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ इतिहास ही नहीं, आपके चैनल का नाम ही है जीएस स्पार्क, आग लगा दे अंदर से। ठीक है, हर टॉपिक में यही जुनून, यही एनर्जी और इसी तरीके से कहानियों के साथ आपको पूरे इतिहास से रूबरू कराया जाएगा। ठीक है, और जाते जाते सभी बच्चे एक बार इतना जरूर बता के जाइएगा, 50 तक तो लाइक कर दो यार, इतना दमदार तरीके से पढ़ाया गया है। ठीक है, जाते जाते 50 लाइक कर दीजिए, शेयर भी जाते जाते कर दिया करो ना यार, बताइए। आप लोगों के ऊपर भी जिम्मेदारी है, अगर मैं अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण निर्वहन करता हूं तो आप भी एक वादा करिए कि आप भी मेरे साथ लगे रहेंगे और आप इसको अपना चैनल मान के, ठीक है, आप इसको अपना चैनल मान के जितना प्रमोशन कर सकते हैं करिए, जिससे मुझे भी एनर्जी मिले, मुझे भी उत्साह मिले और मैं आप लोगों के लिए और भी तन्मयता के साथ, अब इससे ज्यादा तन्मयता तो नहीं दिखा पाऊंगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मेरी जितनी एनर्जी होती है, जितनी ऊर्जा होती है, चार लोग रहो, पांच लोग रहो, दो लोग रहो, तीन लोग रहो, 50 रहो, 60 रहो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आता हूं पूरे फ्लो में, पूरी मेहनत करता हूं, जितना कर सकता हूं दोस्तों करता हूं, कभी भी अपने ज्ञान को छुपाने का प्रयत्न नहीं करता या तो कभी भी खाना पूर्ति करने का कार्य नहीं करता। चलिए तो सभी बच्चे जाते जाते बता के जाएंगे, भागिएगा नहीं यार, लास्ट में 2 मिनट को बस बात कर लिया करो, जाते जाते सभी बच्चे बता के जाएंगे कि आज की क्लास कैसी थी। कसम से मजा आ गया क्लास में। ठीक है, चलिए कुल कर दिए हैं हम सर, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं सर पंकज कुमार। जाते जाते सभी बच्चे इतना जरूर बता के जाइएगा, तुरंत ना भागा करिए यार, 2 मिनट बात कर लिया करिए, उसके बाद निकल लिया करिए। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, टेक्निकल स्ट्रेटेजी पंकज कुमार, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं सर आप, धन्यवाद भैया सभी बच्चों का, कसम से मजा आ गया क्लास में। निखिल पटेल,
बहुत अच्छा अभिनव बिंद्रा, बेस्ट, थैंक यू सर, वेरी गुड क्लास, आनंद सिंह बाबा, वेलकम सर, सर क्लास बहुत ही अच्छा था। अभिषेक कुमार, रितिक सिंह सर आप ग्रेट हो, धन्यवाद भैया सर, ऑफलाइन में और मजा आता है, बिल्कुल ऑफलाइन में आप लोग सामने होते हो और चिल्लाता हूँ आप लोगों को, कहता बोल किसने मारा, आप कहते अशोक, ठीक है, यहाँ उस चीज की कमी मुझे भी खलती है। सर आप कोरोना योद्धा है, हाँ कोरोना योद्धा है, कोरोना खा गया 20 दिन, नहीं तो अब तक इतिहास को इतिहास के गर्भ में मिला दिया होता, ठीक है, खा गया कोरोना 20 दिन मेरा, इसी वजह से आप बच्चों से कहता हूँ कि सावधान रहना भैया सभी बच्चे, ठीक है, हम तो कोरोना से निकले, काफी कमजोरी थी, ठीक है, फिर रिकवर करते 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 उसको कर लिया गया है, ठीक है, अब लगभग 100% मैंने फुल एनर्जी मैंने अपनी प्राप्त कर ली है, ठीक है, आप सभी बच्चों का इतना प्यार सहयोग रहा, अच्छा लगा, तब तो मारेंगे धुआं धुआं हो जाएगा पूरा, अंदर से और उत्साहित होते हैं हम लोग, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर, लाइक और शेयर कर दिए हैं सर, धन्यवाद भैया रामू, मजा आ जाता है, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, विकास जायसवाल आपको हो गया था सर, हाँ भैया प्रदीप जी हमें हो गया था, ठीक है, मुलाकात हो गई थी कोरोना से, ठीक, लेकिन अब सही है, जीवन दान है सर, हाँ सभी बच्चों का प्यार है, मोहब्बत है, ठीक है, ऊपर वाले का देन है, आशीर्वाद है, कभी गलत नहीं किया जिंदगी में, मेहनत से सारी चीजों को किया तो ऊपर वाला भी देखता है, मेहनती बच्चा है, इतने लोगों के लिए मेहनत कर रहा है, ठीक है, तो काफी स्टूडेंट की दुआएं हैं, कहा जाता है कि जिंदगी में कुछ पैसा 4 पैसा कम कमाओ लेकिन दुआएं कमाओ, बुरे वक्त में दुआ ही काम आती है। चलो भैया तो गजब अनुभव, चलिए धुआं धुआं करेंगे सर, बस आप कृपा बनाए रखिए, बिल्कुल भैया आपको कुछ नहीं होगा गुरुजी, धन्यवाद सभी बच्चों का, चलिए आप सभी बच्चों का इतना प्यारा भरा कमेंट था, बहुत अच्छा लगा, मेहनत हमारी जितने हमने मेहनत की थी एकदम बिल्कुल पता नहीं चला, ठीक है, जो 1 घंटे मैंने जबरदस्त एनर्जी के साथ, पता ही नहीं चला 1 घंटा कब गुजर गया, लेकिन रात्रि हो चुकी है, ठीक, तो सभी बच्चों को गुड नाइट, कल सुबह हम लोग 8 बजे फिर मुलाकात करेंगे, आप सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा, अगर कभी दुर्भाग्यवश कोई दिक्कत आई, नेटवर्क प्रॉब्लम आई, तो मैं वहां सूचना तुरंत आप लोगों को दे दिया करूंगा, चलिए क्लास सुपर थी सर, आपको कुछ नहीं होगा सर, धन्यवाद भैया सभी को, चलिए गुड नाइट सभी बच्चों को।